धार में सिगरेट पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लगने की सूचना आई। प्रकाश में आग के कारणों का नहीं लग सका अभी तक पता। हालांकि 10 गाड़ियां दमकल की मौके पर मौजूद, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। नमस्कार, द खबरदार न्यूज में आपका स्वागत है। दरअसल धार में सिगरेट पाइप फैक्ट्री में मंगलवार को भीषण आग लग गई। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल सका है। वहीं आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। बताया गया कि आग औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर सेक्टर 3 स्थित फैक्ट्री के गोदाम में लगी और आग बुझाने के लिए पीथमपुर, इंदौर, धार और बदनावर के फायर फाइटर को बुलाया गया। बता दें कि आग की जो तस्वीर सामने आ रही है वह काफी भयावह है। दूर से ही धुएं की काली उड़ती लपटे लोगों को नजर आ रही है। हालांकि इसमें कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन अब आग बुझाने के बाद भी पता चलेगा कि अभी वहां की स्थिति कैसी है। बहरहाल बताया गया कि अभी तक 20 से ज्यादा टैंकर पानी का उपयोग आग पर काबू पाने के लिए हो चुका है। ऐसे ही रोचक खबरें और देश दुनिया की खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहे द खबरदार न्यूज और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।